एमएस स्टडी पॉइंट में आप लोगों के स्वागत हैं। आइए आज हम लोग वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है x प्लस 5y के होल स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है 2x प्लस 5y के होल स्क्वायर। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हल डालेंगे, उग्रवा से लिखेंगे x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसमें करेंगे क्या कि a लिखेंगे b लिखेंगे, ठीक ना। a के मान ये लिखेंगे और b के मान ये लिखेंगे, यानी a के मान ये x हैं और b के मान यहाँ 5 हैं, ठीक ना। उसके बाद से a प्लस b के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखिए सूत्र होता है a प्लस b के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ a है, a का मान कितना है, यहाँ a के मान x हैं तो x के पावर चढ़ा देंगे, प्लस हैं तो प्लस, यहाँ 2 हैं तो 2 लिखेंगे। फिर यहाँ a है, a का मान कितना है, x हैं तो यहाँ x लिख देंगे। यहाँ b है तो b के मान है तो देखिए यहाँ 5 हैं तो यहाँ 5 लिख देंगे, प्लस हैं तो प्लस। फिर b के मान कितना है, यहाँ 5 हैं तो 5 के स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक ना। लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 5 दूना के 10, 10x यानी 2 5 10 और x हैं तो x लिख देंगे, ये 5 25 कर देंगे, ठीक ना, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। लिखेंगे a बराबर 3x, b बराबर वाई, यानी a बराबर यहाँ 3x है तो 3x लिख देंगे, b के मान कितना है तो y है तो यहाँ y लिख देंगे। फिर फार्मूला लगाएंगे a प्लस b के होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a के मान कितना है, a के मान यहाँ 3x हैं तो यहाँ 3x लिख देंगे, ऊपर पावर है तो पावर कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 2 है तो 2 कर देंगे। फिर ये a के मान कितना है, 3x, तो यहाँ 3x लिख देंगे। फिर इंटू b के मान कितना है, तो b के मान है तो y है तो y लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। फिर b के मान y है तो y लिख देंगे, इस पर पावर चढ़ा देंगे, ठीक। लिखेंगे 3 × 9, x के पावर चढ़ा देंगे, यहाँ लिखेंगे 3 × 6, x में y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई, वाई लिख के पावर चढ़ा देंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है x प्लस 5y पावर है, फिर लिखेंगे a बराबर x लिखेंगे, b बराबर क्या लिखेंगे, 5y लिखेंगे, यानी a के मान है तो x है तो x लिख देंगे, b के मान है तो 5y है तो 5y लिख देंगे, ठीक ना। लिखेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक। a के मान कितना है, तो a के मान यहाँ x है तो x देखेंगे, यहाँ पावर है तो पावर दे देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 2 है तो 2 कर देंगे, इंटू a के मान कितना है तो x है। फिर इंटू b के मान कितना है, तो यहाँ 5y है तो 5y लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर b के मान कितना है, 5y है तो 5y के पावर चढ़ा देंगे। लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 5 दूना के 10 और एक्स वाई में गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 5 25, अब वाई है तो वाई कर देंगे, यहाँ पावर है तो पावर चढ़ा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है 2x प्लस 5y। तो लिखेंगे a बराबर 2x, b बराबर लिखेंगे 5y, उसके बाद से लिखेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर कर देंगे, ठीक। ए के मान कितना है तो 2x है, तो यहाँ 2x लिख देंगे, ऊपर पावर है तो पावर चढ़ा देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, दो है तो दो कर देंगे। ए के मान कितना है, यहाँ देखिए ए के मान 2x है तो यहाँ 2x लिख देंगे। बी के मान कितना है तो बी के मान है तो यहाँ 5y है तो 5y लिख देंगे। फिर बी के मान कितना है तो बी के मान यहाँ 5y है तो 5y के पावर चढ़ा देंगे, ठीक ना। फिर लिखेंगे दो दूना के 4, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस कर देंगे। 5 दूना के 10, 10 दूना के 20 कर देंगे, यानी 5 दूना के 10 और 10 दूना के 20। एक्स में वाई से गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, या 5 25 कर देंगे, वाई के स्क्वायर चढ़ा देंगे, यही आंसर हो जाएगा।